वायरस की महामारी जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है, और ख़ासकर हम लोग बात करें इंदौर की और रतलाम की, तो यहाँ भी इसके मरीज में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो उसको देखते हुए भारतीय रेलवे पर ये डिसाइड किया गया था कि हम लोग अपने जो कोचेज हैं उसको आइसोलेटेड कोच में परिवर्तित करें। तो उसके लिए पश्चिम रेलवे द्वारा रतलाम मंडल को 70 कोच बनाने का टारगेट दिया गया था, जो कि 14 तारीख तक उसको बनाना था, लेकिन रेल प्रशासन ने उसको तत्परता से काम करते हुए उसको कंप्लीट कर लिया है। तो रतलाम मंडल पर हम लोगों ने 70 कोच आइसोलेटेड कोच बना दिए हैं, जिसमें कि जो आइसोलेशन वार्ड में जिस तरह की सारी सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं इस कोच के अंदर रहेंगी। गैस का सिलेंडर रहेगा, जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, इसके साथ में हर केबिन में 2 लोग रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि उसमें 1 मरीज़ को रखना है, और इसके बीच में पर्दे लगाए गए हैं प्लास्टिक के, जिससे कि आइसोलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ में दोनों साइड में एक लैट्रिन और एक बाथरूम बनाया गया है। तो कुल मिला के रतलाम मंडल पर हम लोगों ने 70 कोच तैयार कर लिए हैं, दाहोद, रतलाम और इंदौर को मिलाकर, और उसको जो स्थानीय प्रशासन को, जो स्वास्थ्य विभाग को, उसको उनको बोल दिया है कि आप जब चाहें उसकी सेवाएं ले सकते हैं।